हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। मेरा नाम सनी है और मैं दिल्ली से हूँ और स्वागत है आप सभी का रामनगरी अयोध्या में। तो आज की वीडियो में हम लोग घूमेंगे पूरे अयोध्या में जितने भी मंदिर हैं, जैसे कि हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि और दशरथ महल, कनक भवन। तो जितनी भी प्लेसेस हैं वो सारे हम लोग आज घूमेंगे और भगवान रामचंद्र जी के और सीता मैया के दर्शन करेंगे। और जो भी यूज़फुल टिप्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के एक्सप्लोर करते हैं अयोध्या नगरी। तो गाइज, अगर आप लोग भी अयोध्या आने का प्लान बना रहे हो और अगर आप 200-300 किलोमीटर के रेडियस में रहते हो तो आप आराम से बस से पहुंच सकते हो। रोड्स वगैरह काफ़ी अच्छी हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी अयोध्या में रेलवे स्टेशन है तो यहाँ आप ट्रेन से भी आ सकते हो। और जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है अयोध्या के वो फ़िलहाल लखनऊ है, जो कि अराउंड 136 किलोमीटर दूर है। और अगर आप लखनऊ से आते हो तो आपको 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। और अयोध्या में भी एयरपोर्ट है लेकिन वो फ़िलहाल अभी इनएक्टिव है। तो अभी मैं आ गया हूँ राम की पैड़ी घाट पे, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो जैसे ही आप एंट्री लेंगे तो सबसे पहले ये आपको घाट दिखेगा। और अगर आप अयोध्या जब भी आएँ तो स्नान तो आपको करना बनता ही है। और सरयू जी में स्नान अगर करते हैं तो ऐसा माना जाता है तो जो भी आपके पाप होते हैं वो सारे मतलब धुल जाते हैं। और करेंटली अभी यहाँ पे 9 लाख दिए लगाए गए थे, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज जो बुक है उसमें रिकॉर्ड हो गया है। और आपको पीछे प्रॉपर अयोध्या, जो पुराना अयोध्या है, उसका एक मतलब वाइब आ रही है। और तो गाइस, हम लोग अयोध्या जी में एंट्री कर चुके हैं। और जैसे ही आप एंटर होंगे तो आप देखेंगे कि जो भी वॉल है वो चारों जो है वो पीले रंग के रंगी हुई है। और अभी जो पहले मंदिर जो हम जा रहे हैं वो है हनुमानगढ़ी, और वहाँ चल के दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी कराते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब रामचंद्र जी रावण को मारकर लौटे थे तब हनुमान जी भी उनके साथ अयोध्या आ गए थे। और ये जगह हनुमान जी का घर था और हनुमान जी ने इस जगह पे रहना शुरू कर दिया था। तब से ये जगह हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। और हनुमान जी यहाँ से बैठ के पूरे अयोध्या जी का रक्षा करते हैं। और यहाँ पे ये भी मान्यता है कि अगर आपको राम जी के दर्शन करने से पहले आपको हनुमान जी के दर्शन करने पड़ेंगे। तो गाइज़, अभी हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं हनुमान जी के और बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए हैं। और अब हम जा रहे हैं दशरथ महल, और बाकी वहाँ चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। दशरथ महल अराउंड 50 से 100 मीटर दूरी पर है हनुमानगढ़ी से। और इस महल की स्थापना दशरथ जी ने त्रेता युग में करवाई थी। दशरथ महल को उसी जगह बनवाया है जहां दशरथ जी का एक्चुअल घर था। और ये महल एक सिद्धपीठ भी है। और इस महल को अब मंदिर में कन्वर्ट कर दिया है। और मंदिर के अंदर आपको राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया की प्रतिमा दिखाई देगी। तो भैया ये बताओ, क्या क्या बताएगी ये? जैसे रहेगा 1 साल की जानकारी बताएगी आपको, राशिफल विचार होता है। अच्छा, पक्षी निकल के आएगी, आपका 1 साल की पूरी जानकारी बताएगी। पूरी जानकारी बताएगी क्या होने वाला है। तो मैं भैया को अभी 10 रुपये दे रहा हूँ और भैया जानकारी बताएंगे। नाम बताइए सर, क्या नाम है? सनी। सनी, हाँ। अपने दिल में कोई कारू कोई मनोकामना रखती है, ठीक है। सनी भैया के नाम से उसको बात क्या राशि बता, सनी के नाम से विचार के बताओ। श्यामा चिड़िया का नाम क्या है? श्यामा। श्यामा चिड़िया है सर, जी रामाली चिड़िया होती है। अच्छा। रामाल के बाल कांड में इनका पूरा बखान दिया हुआ है। अच्छा, जो मेरा होगा वही निकालेगी ना? देखिए सर, पत्र सभी में जब भी राशि का पाएगी तभी निकालेगी आपका। हाँ हाँ हाँ। शनि भैया के नाम से देखो श्यामा, शनि, शनि के नाम से। ये भी नहीं है। ओ, ये वाला निकाल दिया, ये वाला निकल गया, मतलब ये वाला मेरी। अच्छा, ये भी नहीं है। बोल रहे हैं कोई गलत तो नहीं बता रहे हैं श्यामा? अच्छा, जो आपने पत्र निकाला है कोई भूल चूक से गलत तो नहीं बता रहे हो आप? यही है। तो गाइस, ये वाला मेरे को दिया है श्यामा ने, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो गाइस, जब भी आप लोग अयोध्या आए तो टाइम का विशेष रूप से बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि मैं अभी आया हूँ, बैठा हूँ भैया के साथ, और अभी जो राम जन्मभूमि है उसकी जो टाइमिंग है क्या है राम जन्मभूमि की? राम जन्मभूमि की टाइमिंग सर जी जैसे सुबह 7 बजे से लेके उसके बाद 11 बजे तक, ठीक है। फिर उसके बाद 2 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक। दो टाइमिंग है, 7 से 11 और 2 से 6 ना। और बाकी जो आपका कनक भवन है और दशरथ महल है उसकी टाइमिंग जो है वो क्या है? दशरथ महल की टाइमिंग सर जी जैसे 12 बजे बंद हो जाता है। 12 बजे बंद हो जाता है, तो उसके बाद ये 4 बजे खुलते हैं। 4 बजे दोनों खुल जाते हैं, कनक भवन और दशरथ महल। तो टाइमिंग का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, या तो मॉर्निंग में आ जाओ या फिर आप लोग इवनिंग में आ जाओ, क्योंकि मैं अभी बैठा हुआ हूँ और वेट कर रहा हूँ कि मंदिर खुले तब जाके दर्शन करूँ। अच्छा, हनुमानगढ़ी की वो क्या है टाइमिंग? हनुमानगढ़ी की कोई टाइमिंग नहीं, कभी भी आप जाएंगे तो दर्शन आपको मिलेगा। अभी भी आ जाओ, सिर्फ आधे घंटे के लिए बंद होता है। आधे घंटे के लिए उसे भोग लगता है तभी बंद होता है। हाँ। तो गाइज, फाइनली दर्शन हो गए और बिल्कुल ही डिवाइन फीलिंग है, लेकिन मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया क्योंकि आपका कोई भी गैजेट अंदर अलाउड नहीं है। आपको अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मंदिर के सामने, आपको बहुत सारे लॉकर अवेलेबल हैं, तो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा तभी आपको अंदर एंट्री मिलेगी। और सामने आप जो सिक्योरिटी पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ से एंट्री है और इस वाले रास्ते से आपको एग्जिट करना होगा। तो गाइस, दर्शन हो गए राम जन्मभूमि के, अब हम जा रहे हैं कनक भवन, जो राम जन्मभूमि से अराउंड 100 से 150 मीटर की दूरी पर है। ऐसा माना जाता है कि कनक भवन माता केकेई ने सीता मैया को मुंह दिखाई के रूप में दिया था, और अब इसमें सीता जी और राम जी की प्रतिमा है, जहां दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। और जो कनक भवन है वो काफी भव्य है, तो अगर आप लोग अयोध्या आ रहे हो तो कनक भवन जरूर विजिट करना। तो गाइज, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है कनक भवन, और सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। शुरू हमने जो किया था वो किया था, पहले हम लोगों ने गए हम लोग राम की पैड़ी, उसके बाद फिर हम लोग गए हनुमानगढ़ी, उसके बाद हम लोग गए राम जन्मभूमि, और फिर हम लोग गए दशरथ महल, और फिर हम आए कनक भवन। सारी चीज़ें हमने देख ली, और बस थोड़ा टाइमिंग का ध्यान रखिएगा कि 12 से 4 के बीच में मोस्टली जो मंदिर है ना वो बंद रहते हैं, और आपको बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, गाइड से बहुत सावधान रहिएगा, क्योंकि गाइड का कोई भरोसा नहीं है, वो आपको कहीं और ले जाते हैं और वहाँ से ना पैसे ठगने की कोशिश करते हैं, तो गाइड बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। और जैसे मैंने आपको ये इस वीडियो में बताया है कि जहाँ जहाँ आपको जाना है, और आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, बाय वॉक ही सारी चीज़ें 100-100 मीटर की दूरी पर हैं, तो आप आराम से सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। और कनक भवन वाकई में बहुत सुंदर है और मन प्रसन्न हो जाएगा आपका अयोध्या घूम के। तो गाइस, अभी जो है टाइम 5:30 हो गए हैं, और अब मैं जा रहा हूँ सरयू तट पे, जहाँ पे सरयू जी की आरती होती है, तो वो देखेंगे और उसके बाद अपनी इस वीडियो को एंड करेंगे। सो गाइस फिर से मैं राम की पैड़ी पे आ गया और जहाँ से हम लोगों ने वीडियो शुरू करी थी वहीं पर वीडियो अपनी ख़त्म हो रही है आज की। तो गाइस मेरे पीछे अभी प्यारा सा सनसेट हो रहा है राम की पैड़ी पे और यहाँ पे मैं अभी करीबन आधे एक घंटे स्पेंड करने वाला हूँ और उसके बाद फिर मैं निकलूँगा यहाँ से। और अगर बात करें कि अगर आप अयोध्या आ रहे हो तो कितने आपको टाइम की रिक्वायर्ड है, जो भी चीज़ें हैं और जो भी मंदिर हैं अयोध्या में वो आप आराम से सारे एक दिन में कवर कर लोगे। और बाकी जो मैंने आइटनरी फॉलो की है आप उसको फॉलो करके पूरा जो अयोध्या है वो ईज़िली एक्सप्लोर कर लोगे। और गाइज़ अगर बजट की बात करें तो आपको अयोध्या एक्सप्लोर करने में बिल्कुल ही नॉमिनल खर्चा आएगा और सारी चीज़ें बहुत ही मतलब बजट में आपके आएंगी। बस आप लोग टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, या तो आप मॉर्निंग में आके एक्सप्लोर कीजिए या फिर आप लोग इवनिंग में आके एक्सप्लोर कीजिए। अयोध्या में ज़्यादा चीज़ें नहीं है, आप 2-3 घंटे में ही सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर लेंगे। और अगर आप दूर से आ रहे हो तो आप एक दिन का स्टे ले सकते हो, दैट इज़ मोर देन एनफ। बाकी आप आएंगे तो आपका मन एकदम पसंद हो जाएगा। तो गाइज़ अगर बात करें कि कौन सा बेस्ट टाइम होगा अयोध्या ट्रैवल करने के लिए, तो आप वैसे तो किसी भी टाइम आ सकते हो, बट अगर विंटर में आते हो तो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जैसे कि हमारे दिल्ली NCR या लखनऊ जो भी आसपास के शहर हैं, तो गर्मियों में थोड़ा मतलब मुश्किल हो जाता है। बाकी अगर आप ठंड में आओगे तो दैट इज़ मोर प्रेफरेबल। और अगर दिवाली में आते हो तो दिवाली इज़ द बेस्ट टाइम क्योंकि पूरा जो घाट वगैरह हैं, जितने भी मंदिर हैं, मतलब बिल्कुल ही भव्य कार्यक्रम होता है और भव्य खूबसूरत तरीके से जो है वो अयोध्या नगरी सस्ती है। और अगर आपको कुछ भी अयोध्या के रिलेटेड क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं, या फिर ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है तो आप अगर चाहो तो मुझे DM करके भी कुछ भी पूछ सकते हो। बाकी चलते हैं और दैट्स इट फॉर द वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हम आपको मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।